Hello children, in this video we will do splitting numpy arrays. हम numpy arrays को कैसे different parts में split कर सकते हैं, divide कर सकते हैं. We can get subsets of numpy arrays by using the following functions. numpy array के subsets मिलते हैं कैसे? By using the following, हम इन functions को use करके numpy array के subsets बना सकते हैं, okay? And what are these functions? These functions are split functions, h split function and v split functions, right? So here we have three functions. By using these three functions, we can create subsets of numpy arrays, right? So we are going to do all these functions one by one. Okay. Now first we have split function. This function divides the array into subarrays along a specified axis. स्प्लिट फंक्शन एरे को डिवाइड करता है अलोंग द एक्सिस. लाइक जीरो एक्सिस पे डिवाइड करना है या वन एक्सिस पे डिवाइड करना है, अकॉर्डिंग टू द एक्सिस स्प्लिट फंक्शन एरे को पार्ट्स में और सबसेट्स में डिवाइड करता है, राइट? द फंक्शन टेक्स थ्री पैरामीटर्स. स्प्लिट फंक्शंस क्या है? तीन पैरामीटर्स यूज करता है. सबसे पहले आता है आपका एरे नेम, फाइन. सेकेंड है आपका इंडिसेस और सेक्शंस, राइट? एंड थर्ड वन इज योर एक्सेस. ओके, सबसे पहले हमने नंपाई के स्प्लिट फंक्शन में आपने तीन पैरामीटर्स, मतलब तीन आपको पैरामीटर्स इसके अंदर पास करने हैं. सबसे पहले आपको एरे नेम पास करना है, ठीक है? एरे क्या है? इनपुट एरे टू बी स्प्लिट. एरे है हमारा वो एरे जो हमें स्प्लिट करना है, ओके? देन सेकंड है आपका इंडिसेस और सेक्शंस. इंडिसेस और सेक्शंस क्या है? इट कैन बी एन इंटीजर इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ इक्वल साइज्ड सब एरेज टू बी क्रिएटेड फ्रॉम द इनपुट एरे. या तो ये कोई नंबर होगा, जैसे टू हो गया. टू हो गया मतलब एरे टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाए. थ्री हो गया मीन्स एरे थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, राइट? तो या तो ये कोई इंटीजर नंबर होगा, फाइन, या फिर ये क्या होगा आपका 1D एरे होगा, फाइन, या आपका 1D एरे होगा. 1D एरे मतलब आपको इसमें स्पेसिफाई होगा कि कहाँ किस वैल्यू से लेकर किस वैल्यू तक आपको एरे को डिवाइड करना है, फाइन. तो आपका इंडिसेस और सेक्शन में या तो इंटीजर वैल्यू होगी, लाइक मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया. टू है मींस एरे टू पार्ट्स में डिवाइड होगा. थ्री मीन्स एरे थ्री पार्ट्स में डिवाइड होगा. या फिर इट विल टेल यू द पार्ट्स. ये आपको 1D एरे फॉर्म में बताएगा कि एरे को किस पार्ट से लेकर किस पार्ट तक डिवाइड करना है, फिर सेकंड पार्ट कहाँ से कहाँ तक डिवाइड करना है, लाइक दिस. ओके, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ दिस पैरामीटर इज 1D एरे द एंट्रीज इंडिकेट द पॉइंट्स एट विच अ न्यू सब एरे इज टू बी क्रिएटेड, फाइन. देन आपका लास्ट क्या है? एक्सेस. एक्सेस में क्या है? आपका एक्सेस डिफाइन होगा कि आपको किस एक्सेस के अलोंग एरे को डिवाइड करना है. जीरो एक्सेस के अलोंग डिवाइड करना है. अब एक्सेस जीरो किसका होता है? रो वाइज डिवीजन, फाइन, वी नो दैट. एक्सेस जीरो फॉर द रो वाइज डिवीजन एंड एक्सेस वन फॉर द कॉलम वाइज डिवीजन. और अगर आप एक्सेस नहीं स्पेसिफाई करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपका कौन सा एक्सेस के अलोंग डिवीजन होता है? जीरो एक्सेस के, मींस रो वाइज डिवीजन होता है आपका, फाइन. ओके, नाउ अब हम इसका एग्जांपल करेंगे. एग्जांपल में सबसे पहले हमने लिया है 1D एरे का एग्जांपल, ओके? ओके, तो यहाँ पे आपने क्या किया? इंपोर्ट किया numpy लाइब्रेरी को, ओके, फाइन, क्योंकि numpy लाइब्रेरी की हेल्प से ही आप क्या करोगे? एरेज क्रिएट करोगे एंड स्प्लिटिंग करोगे numpy लाइब्रेरी के फंक्शंस यूज करके, ओके? अब ये हमने एक एरे क्रिएट किया है, एरे ए,
okay, by using arrange function of numpy library. अब मेरे को, मैं आपको arrange functions के बारे में बता चुकी हूँ जब हमने किया था how we will create the arrays, fine. तो यहाँ पे आपकी value क्या है, 9. तो आपका arrays कौन कहाँ से कहाँ तक create होगा, 0 to 8, fine. 0 से start होगा and 8 values होंगी arrays के अंदर, okay. तो आपने उसके बाद क्या किया, first array को अपना प्रिंट करा दिया, ओके सिंपल. हमने एक एरे बनाया बाय यूजिंग द अरेंज फंक्शन ऑफ नंपाई लाइब्रेरी एंड देन उसको प्रिंट करा दिया. अब क्या है, हम उसको स्प्लिट करेंगे, ओके. तो आपने क्या किया, ये स्टेटमेंट दे दी, स्प्लिट द एरे इन 3 इक्वल साइज सब एरेज, ओके. उसको आप 3 इक्वल साइज में सब एरेज में डिवाइड कर रहे हो, ओके. तो आपने यहाँ पे जो फर्स्ट एरे होगा क्रिएट होगा वो A1 में चला जाएगा, सेकेंड एरे क्रिएट होगा वो A2 में चला जाएगा, फाइन. और जो थर्ड एरे क्रिएट होगा वो आपका A3 के अंदर चला गया जाएगा, ओके. और आपने इसको इक्वल कर दिया किसके, np.split फंक्शन के, ठीक है. np numpy लाइब्रेरी है, np.split फंक्शन, और उसमें पास कर दिया a जो आपने एरे क्रिएट किया है ऊपर, एरे a, ओके, एंड 3. सिंपल इंटीजर 3 मीन्स एरे ए विल बी डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स. यहाँ पे एरे ए 3 इक्वल सब एरेज में डिवाइड हो जाएगा, राइट. एंड आफ्टर दिस आपने क्या किया, उन 3 एरेज को प्रिंट करा दिया, फाइन. ये तो हमने ले लिया सिंपल इंटीजर अगर आप यूज करते हो, ओके. अगर आपने क्या करना है, स्प्लिट द एरे एट द पोजीशंस इंडिकेटेड इन 1D एरे, ओके. अगर आपको एरे अकॉर्डिंग टू द पोजीशंस करना है, और ठीक है, और आपने वो पोजीशंस किसके हेल्प से स्पेसिफाई करोगे, आप 1D एरे की हेल्प से स्पेसिफाई करोगे, फाइन. तो हमने यहाँ पे 3 एरेज ले लिए, A1, A2 and A3, ठीक है. np.split फंक्शन लिया, स्प्लिट फंक्शन के अंदर आपने एरे को पास किया, ओके. एंड देन आपने 1D एरे लिया, 1D एरे में आपने क्या स्पेसिफाई किया है, 4 and 7. तो जो आपका फर्स्ट एरे क्रिएट होगा वो कहाँ से कहाँ तक क्रिएट होगा, वो 0 से लेकर 3 तक क्रिएट होगा, ठीक है. 0 से लेकर 3 इंडेक्स वैल्यू तक, बिकॉज 4 - 1 is 3, ओके. सेकेंड जो आपका आएगा वो आपका क्रिएट होगा 4 to 6, ठीक है, बिकॉज 7 - 1 is 6. एंड थर्ड आपका क्रिएट होगा 7 till end, ओके. एंड यू विल प्रिंट ऑल दिस. हम इसको अभी देखते हैं इसका रिजल्ट कैसे आता है. सी, अब आप देखो, सबसे पहले आपने क्या किया, ये आपका एरे है, ओके. दिस इज योर एरे. इसके लिए आपने कमांड, इसको क्रिएट करने के लिए आपने कमांड दी थी np.arrange 9, ठीक है. तो आपका ये एरे क्रिएट हुआ था 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके. सेकेंड आपने कमांड क्या दी थी, स्प्लिट द एरे इन 3 इक्वल साइज सब एरेज. 3 इक्वल साइज सब एरेज के लिए आपने क्या पास किया था, आपने यूज किया था स्प्लिट फंक्शन, उसमें पास किया था एरे ए एंड 3, फाइन. एरे ए एंड 3. तो यहाँ पे आप देखो कि आपका फर्स्ट एरे क्रिएट हुआ 0 1 2, ओके, 3 एलिमेंट्स. देन एरे 3, 4 एंड 5. देन आपका एरे क्रिएट हुआ 6 7 8, ओके. 3 एलिमेंट्स के आपके 3 एरेज क्रिएट हो गए, फाइन. अब यहाँ पे हम देखेंगे सेकेंड एग्जांपल, स्प्लिट द एरे एट द पोजीशंस इंडिकेटेड इन 1D एरे. अब 1D एरे के अकॉर्डिंग आपको अपने एरे को क्या करना है, डिवाइड करना है, फाइन. तो हमने देखो इसको यहाँ बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं इसको. यहाँ पे ये हमारा क्या है, एरे है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके. और हमने इसकी इंडेक्सिंग कर ली 0 1 2 लाइक दिस, ओके. अब देखो फर्स्ट हमारा जो स्प्लिट बनेगा, जो हमारा सब एरे बनेगा, वो 0 से लेकर 4 तक बनेगा, ओके. एंड एंडिंग वैल्यू इज ऑलवेज -1. तो यहाँ पे क्या होगा, 4 - 1 हो जाएगा, दैट इज 3, ओके. 4 - 1 दैट इज 3, ओके. तो ये 0 इंडेक्स से लेकर आपका कहाँ तक होगा, एरे इंडेक्स 3 तक, फाइन. तो आपका देखो फर्स्ट एरे क्या है, 0 इंडेक्स से लेकर इंडेक्स 3 तक है, राइट. और इसमें 4 एलिमेंट्स आए हैं, 0 1 2 3, राइट. अब आपका
सेकेंड एरे आपका कहाँ से, 4 to 7, इंडेक्स वैल्यू 4 to 7, और 7 minus 1 is 6. ओके, तो आप सेकेंड एरे देखो, यहाँ पे ये 4, 5 and 6. ओके, ये आपका 3 values आ गए, 3 index values आ गए, राइट. एंड थर्ड आपका क्या है, 7 till end. फाइन, तो आपका यहाँ पे आ गया 7 and 8. फाइन, तो ऐसे हमारा एरे डिवाइड हुआ 3 parts में. फर्स्ट पार्ट में 4 elements है, सेकेंड पार्ट में 3 elements है, और थर्ड पार्ट में 2 elements है, राइट. अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 2. फाइन, इसके अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले लिया है नंपाई लाइब्रेरी को, इंपोर्ट कराया एज एनपी. ओके, देन हमने अरेंज फंक्शन का यूज किया और एरे क्रिएट किया. ओके, यहाँ पे हमने अरेंज फंक्शन में वैल्यू लिए 24.0. ओके, तो यहाँ पे हमारा फ्लोट वैल्यूज आएंगी, फ्लोट वैल्यूज का एरे बनेगा. ओके, और यू कैन से डेसिमल वैल्यूज का एरे बनेगा, राइट. और उसको रीशेप फंक्शन की हेल्प से हमने 2D एरे में कन्वर्ट किया है, जिसमें 4 rows होंगी एंड 6 columns होंगे, राइट. रीशेप फंक्शन हम कर चुके हैं, ठीक है. रीशेप फंक्शन की हेल्प से हमने इसको कन्वर्ट कर दिया 2D एरे में, जिसमें 4 rows होंगी एंड 6 columns होंगे. फर्स्ट हमने क्या किया, प्रिंट करा दिया अपने एरे को, राइट. देन हमने कमांड क्या दी है, स्प्लिट द एरे इनटू इक्वल साइज सब एरे. एरे स्प्लिट हो जाए 2 equal size सब एरेज में. तो यहाँ पे A1 एंड A2 हमारे सब एरेज बन जाएंगे, ठीक है. और आपने क्या किया, np.split फंक्शन के अंदर एरे A को पास किया और सिंपल इंटीजर दिया 2. दैट मीन्स इट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 parts. ओके, एंड देन अपने दोनों एरेज को प्रिंट करा दिया. नेक्स्ट आपने क्या किया है, 1D एरे दिया है. 1D एरे से हम स्पेसिफाई करते हैं किस पोजीशन से किस पोजीशन तक की वैल्यू में एरे डिवाइड हो, राइट. तो आपने फिर से क्या किया, 3 arrays लिए, A1, A2 and A3. फाइन, np.split फंक्शन के अंदर आपने एरे A को पास किया एंड देन आपने 1D एरे स्पेसिफाई कर दिया. 1D एरे में क्या है, 2 values है, 1 and 4. फाइन, तो आपका एरे कहाँ से कहाँ तक होगा, फर्स्ट एरे आपका होगा 0 to 1. ओके, एंड देन आपका 0 to 1, देन 1 minus 1 मीन्स फर्स्ट उसमें आपकी सिर्फ 0 आएगी, 0 आपका रो आएगी, ठीक है. अभी हम इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ आउटपुट. फाइन, लेट अस सी. सबसे पहले आपने क्या किया, एरे क्रिएट किया, दिस इज योर एरे. फाइन, जिसके अंदर क्या है, 4 rows है, ओके, एंड 6 columns हैं, ये आपका एरे है. ओके, नाउ आपने सेकंड आपने कमांड दी, स्प्लिट द एरे इन टू इक्वल साइज सब एरेज. ओके, उसके लिए आपने कमांड दी थी np.split. ओके, a इज द एरे नेम एंड 2 आपने दिया है, इन हाउ मेनी पार्ट यू विल डिवाइड योर एरे. फाइन, अब यहाँ पे देखो, सिंस नो एक्सेस इज गिवन, स्प्लिट विल अकर रो वाइज. अभी हमने यहाँ पे एक्सेस नहीं दिया, तो क्या होगा, हमारा जो डिवीजन होगा, जो स्प्लिट होगा, वो क्या होगा, रो वाइज होगा. रो वाइज मीन्स वर्टिकली. ओके, आपका जो डिवीजन होगा वो रो वाइज होगा. रो वाइज मीन्स वर्टिकली, ठीक है, वर्टिकली होगा. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट 2 rows आ गए A1 के अंदर, एरे की फर्स्ट 2 rows आ गए A1 के अंदर, एंड लास्ट 2 rows आ गए A2 के अंदर. फाइन, ओके, हमने एक्सिस डिफाइन नहीं किया, तो हमारा 0 axis के अलोंग डिवीजन हुआ है. 0 axis के अलोंग डिवीजन मीन्स रो वाइज मीन्स वर्टिकली. ओके, फाइन. अब देखो, हमने नेक्स्ट एग्जांपल में, नेक्स्ट कमांड में क्या दिया, 1D एरे के अकॉर्डिंग डिवीजन हो. फाइन, और 1D एरे के अंदर हमने सब क्या दिया है, 1 and 4. ओके, तो जो आपका फर्स्ट रो है वो क्या है, 0 से लेकर 1, और 1 लास्ट वैल्यू क्या है आपका, 1 है, तो 1 minus 1 0. तो यहाँ पे एक ही रो आएगी A1 के अंदर, दैट इज 0 row. फाइन, A1 के अंदर आपकी कौन सी रो आएगी, 0. ओके, अब सेकंड जो एरे है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 1 to 4.
ओके एंड 4 - 1 = 3। तो यहाँ पे कौन सी रोज आएंगी जिसकी इंडेक्स वैल्यू होगी 1, 2 and 3, और वो किस कौन से एरे में, वो आपका कौन सा एरे है, A2। ओके तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 0 रो आ गया आपका A1 एरे के अंदर एंड रोज 1, 2 and 3 आपका आ गया A2 के अंदर, राइट। एंड नेक्स्ट आपने क्या कर दिया, डिविजन 4 till end, राइट। अब 4 यहाँ पे हमारी रोज 4 ही है, तो आपका जो लास्ट एरे बनेगा वो क्या बनेगा, एम्प्टी एरे, राइट। अगर 4 से ज्यादा रोज होती तो A3 के अंदर और रोज आ जाती है, राइट। अभी यहाँ पे हमारी 4 रोज ही है, तो लास्ट एरे क्या बनाया आपका, एम्प्टी एरे। तो इन दिस वे हमने क्या देखा, 1D एरे के अंदर हम स्प्लिट फंक्शन कैसे यूज कर सकते हैं और 2D एरे के अंदर हम स्प्लिट फंक्शन कैसे यूज कर सकते हैं, फाइन। अब नेक्स्ट आपका आता है एच स्प्लिट फंक्शन, ठीक है। नंपाई एच स्प्लिट फंक्शन स्प्लिट एन एरे इनटू मल्टीपल सब एरेज हॉरिजॉन्टली। एच स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, हॉरिजॉन्टली आपके एरेज को डिवाइड करेगा, एंड हॉरिजॉन्टली मीन्स कॉलम वाइज, वर्टिकली मीन्स रो वाइज, ओके। हॉरिजॉन्टली मीन्स कॉलम वाइज। एच स्प्लिट इज इक्विवेलेंट टू द स्प्लिट विद एक्सिस 1। एच स्प्लिट का मतलब क्या है, स्प्लिट विद एक्सिस 1, ओके। द एरे इज ऑलवेज स्प्लिट अलोंग द सेकेंड एक्सिस रिगार्डलेस ऑफ द एरे डायमेंशन, ओके। तो आपका हमेशा एक्सिस 1 के अलोंग आपका एरे डिवाइड होगा, मीन्स कॉलम वाइज आपका एरे डिवाइड होगा, फाइन। अब यहाँ पे एच स्प्लिट का आपका सिंटेक्स क्या है, नंपाई डॉट एच स्प्लिट, और आपने क्या क्या पास किया है, एरे नेम, इंडेसेस और सेक्शंस। इंडेसेस हमें पता है, या तो कोई इंटीजर वैल्यू होगी, ओके, या फिर क्या होगा, 1D एरे होगा, फाइन। अब यहाँ पे देखो दिया हुआ है एरे क्या है, एरे टू बी डिवाइड, जो हमें डिवाइड करना है, और यहाँ पे इंडेसेस और सेक्शन क्या है, या तो आपका 1D एरे है, फाइन, या फिर आपका इंटीजर वैल्यू है, ओके। नाउ इफ इंडेसेस और सेक्शन इज एन इंटीजर n, द एरे विल बी डिवाइडेड इनटू n इक्वल एरेज अलोंग एक्सिस, राइट। इफ इंडेसेस और सेक्शन इज अ 1D एरे ऑफ सॉर्टेड इंटीजर्स, द एंट्रीज इंडिकेट वेयर अलोंग एक्सिस द एरे इज स्प्लिट। ये मैंने आपको बता दिया है कि इंडेसेस और सेक्शन क्या होता है। देन आपका क्या है, रिटर्न सब एरेज, ओके, सब एरेज रिटर्न करता है, ये जो आपका पैरामीटर है वो क्या रिटर्न करता है, सब एरेज, नंबर ऑफ सब एरेज, ओके। सो एच स्प्लिट विल डिवाइड द एरे कॉलम वाइज, ओके। नाउ अब हम इसके एग्जांपल करेंगे, फाइन। सबसे पहले हमने क्या किया, नंपाई लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, ओके। नंपाई लाइब्रेरी के अरेंज फंक्शन को यूज करके हमने 1D एरे बनाया, फाइन, और उस एरे को प्रिंट करा दिया। अब नाउ हमें स्प्लिट करना है विद द हेल्प ऑफ एच स्प्लिट फंक्शन ऑफ नंपाई लाइब्रेरी, ओके। एंड हमने इसमें क्या कर दिया, पास एरे ए को पास कर दिया और हमने वैल्यू पास करी 3, राइट। दैट मींस इट विल बी डिवाइडेड इनटू 3 एरेज अलोंग द कॉलम्स, और वो एरेज कहाँ पे स्टोर होंगे, A1, A2 and A3, फाइन। नेक्स्ट कमांड में आपने यहाँ पे एरेज को प्रिंट करा दिया, फाइन, A1, A2, A3 एरेस को प्रिंट करा दिया। देन आपने नेक्स्ट कमांड दिया, स्प्लिट द एरे एट द पोजीशन इंडिकेटेड इन 1D एरे, फाइन। अब 1D एरे आपने स्पेसिफाई किया, ओके। नेक्स्ट कमांड आपने क्या दिया है, np.split, ओके, और इसके अंदर आपने एरे ए को पास कराया है, फाइन, एंड आपने 1D एरे दिया है 4 and 7, ओके। अब हम इसका आउटपुट क्या आएगा, इसे इसको समझते हैं, फाइन। सबसे पहले आपका एरे क्रिएट हुआ, ये आपका 1D एरे क्रिएट हुआ, फाइन, जिसके लिए आपने ये कमांड दी थी np.arrange9, फाइन। अब सेकेंड आपने क्या कमांड दिया था इसको, np.split, split, ठीक है। इसके अंदर आपने एरे ए को पास किया था और वैल्यू दी थी 3, फाइन। तो आप यहाँ पे देखो, आपका ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 0, 1, 2, देन 3, 4, ओके, नाउ 3, 4, 5। अब यहाँ पे ये 1D एरे है,
फाइन। तो यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स इतना क्लियर आपको नहीं हो रहा है, जब हम 2D एरे देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट। और 6 7 8 फाइन, ओके 6 7 8 फाइन। अब आपने नेक्स्ट कमांड क्या दी थी, np डॉट h स्प्लिट एरे ए, राइट एरे ए, एंड देन आपने 1D एरे दिया था 4 एंड 7। ओके तो हमारा 4 एंड 7 आपका फर्स्ट एरे कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 to 4, राइट। एंड 4 माइनस 1 3, तो आपकी 3 इसके अंदर कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 इंडेक्स से लेकर 3 इंडेक्स तक, 0 1 2 3 फाइन। ओके एंड सेकेंड आपका एरे कहाँ से कहाँ तक होगा, 4 to 7 फाइन, 4 इंडेक्स to 7। और 7 क्या होता है, एंडिंग वैल्यू इज ऑलवेज -1, ठीक है, एंडिंग वैल्यू हमेशा हम -1 करते हैं, 7 माइनस 1 6। फिर कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 4 5 एंड 6 फाइन। एंड देन आपका थर्ड एरे कहाँ कहाँ से स्टार्ट होता है, 7 से टिल एंड, तो इसके अंदर आपके 2 वैल्यूज आ गए 7 एंड 2 इंडेक्सेस आ गए 7 एंड 8 फाइन। यहाँ पे हमने एच स्प्लिट फंक्शन को यूज किया है 1D एरे में, राइट। सो इट्स नॉट वेरी क्लियर कि कॉलम वाइज कैसे डिवाइड होता है, हम 2D एरे का एग्जाम्पल देखते हैं तो पता चलेगा कॉलम वाइज ही कैसे डिवाइड हो रहा है, फाइन। ओके तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर नंपाई लाइब्रेरी को इम्पोर्ट कराया, ठीक है, अरेंज फंक्शन यूज करके एरे क्रिएट किया, और उसको रीशेप फंक्शन यूज करके 2D एरे में कन्वर्ट किया, जिसमें क्या होंगी, 4 रोज होंगी एंड 6 कॉलम्स फाइन। और आपने अपने एरे को प्रिंट करा दिया, राइट। अब सबसे पहले आपने क्या किया है, आपने डिवाइड किया है अपने एरे को 2 इक्वल पार्ट्स में। उसके लिए क्या कमांड दी है, एनपी डॉट एच स्प्लिट एरे ए, एंड पास किया है इंटीजर वैल्यू 2। ओके और ये एरेस कहाँ पे आपके स्टोर होंगे, एरे AR1 एंड AR2 में, फाइन। अब आपने सेकेंड कमांड लिया है यहाँ पर कि आपको डिवाइड करना है एरे ओके विद द बाय पासिंग द 1D एरे, तो आपने 1D एरे यहाँ पे पास किया 1 4। ओके एंड देन आपने कमांड लिया एनपी डॉट एच स्प्लिट एरे ए, एरे ए को पास किया और 1D एरे को पास किया, राइट। तो और वो एरे जो आपके क्रिएट होंगे वो कहाँ स्टोर होंगे, एरे AR1 AR2 एंड AR3 में, राइट। तो हम अब इसको समझेंगे इसके आउटपुट की हेल्प से, फाइन। तो सबसे पहले आपका क्रिएट हुआ एरे 2D एरे, ठीक है, 2D एरे में कहां से कहां तक, 0 से लेकर 23 तक आपकी वैल्यूज आई हैं, फ्लोट वैल्यूज, राइट। आपने रीशेप कर दिया उसको 4 रोज में एंड 6 कॉलम में, तो आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पे हमारी 4 रोज है एंड 6 कॉलम्स है, फाइन, 4 रोज एंड 6 कॉलम। ओके अब देखो नेक्स्ट हमने कमांड क्या दी है, एनपी, यहाँ पे हमारी नेक्स्ट कमांड क्या है, सी एनपी डॉट एच स्प्लिट ए, एरे ए को पास किया है एंड 2। ओके तो आपको देखो कॉलम वाइज डिवीजन देखोगे आप, राइट। फर्स्ट आपका कॉलम आया कॉलम 0, दिस इज योर कॉलम 0, राइट, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। ओके तो 3 कॉलम्स आपके AR1 एरे के अंदर आए, ठीक है, AR1 के अंदर आपके 3 कॉलम्स आए, फर्स्ट 3 कॉलम्स 0 1 एंड 2, राइट। एंड सेकंड एरे के अंदर आपके नेक्स्ट 3 कॉलम आए, कॉलम आपका आया 3 जिसकी इंडेक्स वैल्यू 3 थी, 4 एंड 5, राइट। AR1 के अंदर आपका आया कॉलम 0 1 एंड 2, ओके एंड AR2 के अंदर आया आपका कॉलम 3 4 एंड 5, ओके बिकॉज यहाँ पे हमने एच स्प्लिट फंक्शन यूज किया है तो अलोंग द कॉलम्स आपका एरे डिवाइड होगा, फाइन। अब हमने नेक्स्ट कमांड क्या दी थी, हमने इसको डिवाइड किया है
with the help of with the help यहाँ पे हमने divide किया है np dot split okay array a fine और यहाँ पे हमने 1d array specify किया है 1 and 4 okay तो first जो array आपका जो column आएगा array के अंदर वो क्या है 0 से लेकर 1 और ending value 1 है 1 minus 1 that is 0 तो आपका आएगा column 0 only तो first array AR1 के अंदर आपका आएगा column 0 fine सेकेंड एरे की कहां से कहां तक कॉलम लेगा 1 से लेकर और एंडिंग वैल्यू क्या है 4 तो 4 minus 1 3 तो इसके अंदर 3 कॉलम आएंगे 1, 2 and 3 फाइन AR2 के अंदर आपके 3 कॉलम्स आ गए 1 column 1 and column 2 दिस इज योर column 2 एंड दिस इज योर column 3 फाइन उसके बाद आपने क्या किया कॉलम 4 एंड ऑल कॉलम्स आफ्टर 4 ठीक है कॉलम जो आपका इसके अंदर क्या आएगा कॉलम 4 से स्टार्ट होगा और टिल द एंड ऑफ द टिल द ऑल द कॉलम्स फाइन तो यहां पे आपका आ गया AR3 के अंदर कॉलम 4 एंड कॉलम 5 फाइन इन दिस वे आपका एरे डिवाइड हो गया फर्स्ट एरे के अंदर 0 कॉलम आया सेकंड एरे के अंदर 1, 2 and 3 कॉलम्स आए एंड थर्ड एरे के अंदर आपका कॉलम 4 एंड कॉलम 5 आया फाइन अब हम करेंगे वी स्प्लिट फंक्शन फाइन स्प्लिट एन एरे इनटू मल्टीपल सब एरेस वर्टिकली अब वी स्प्लिट फंक्शन कैसे डिवाइड करता है रो वाइज डिवाइड करता है ओके रो वाइज और वर्टिकली फाइन ओके वी स्प्लिट इज equivalent to split with axis 0 और ये split function के equivalent है अगर आप वहाँ पे axis क्या use करें 0 axis use करें okay fine अब यहाँ पे इसका syntax क्या है numpy dot vsplit right यहाँ पे आप okay and vsplit function के अंदर आप pass करोगे array name and indices or section means या तो आप एक integer value pass करोगे like 2 or 3 means इसको 3 value arrays में divide कर दो या 2 arrays में divide कर दो या आप 1D array specify करोगे 1D array आपको क्या बताता है आपको कहाँ से कहाँ तक values लेनी है एक array के अंदर right fine अब यहाँ पे देखो vsplit only works on arrays of 2 or more dimensions. So हम जब vsplit function use करेंगे, तो हम 2-dimensional array use लेंगे, right? It will not work on 1-dimensional array. Fine. तो यहाँ पे हमने example ले लिया अपना 2-dimensional array का import numpy as np numpy library ले ली, arrange function ले लिया. Fine. Arrange function numpy library के arrange function से हमने array create किया 0 to 23 और उसको reshape कर दिया 4 rows and 6 columns में. Fine. उस एरे को आपने प्रिंट करा दिया ओके सेकंड कमांड में आपने क्या किया उस एरे को स्प्लिट किया 2 equal parts में ओके तो वो कहां जाएंगे एरे 1 एंड एरे 2 में np dot split ओके np dot v split a एरे को पास किया and integer value 2 दैट मींस इट विल डिवाइड इनटू 2 equal parts फाइन और इसको प्रिंट करा दिया देन आपने कमांड क्या लिया अब आपने 1d एरे के हेल्प से इसको डिवाइड किया है np dot v split array नेम पास किया फाइन 1 and 4 आपने 1d array स्पेसिफाई किया फाइन अब इसको आप सिंपली यहां पे देखो सबसे पहले आपने क्या किया आपने एरे को क्रिएट किया फाइन दिस इज योर एरे जिसमें क्या है जो आपकी वैल्यूज क्या है 0 to 23 फाइन और आपने रीशेप करके 4 rows and 6 columns इसको कन्वर्ट कर दिया राइट ओके अब सेकंड कमांड आपने क्या दी आपने कमांड दी np dot vsplit vsplit क्या करेगा इसको वर्टिकली मींस रो वाइज डिवाइड करेगा अब यहां पे एरे नेम दिया n2 ओके तो फर्स्ट एरे में आपका क्या आया है row 0 and row 1 ठीक है पहली 2 रो आई हैं a1 के अंदर एंड देन सेकंड एंड थर्ड सॉरी 0 एंड 1 इंडेक्स की रोज आई हैं AR1 के अंदर एंड 2 and 3 इंडेक्स की रोज आई हैं AR2 के अंदर ओके और आप ये भी कह सकते हो फर्स्ट 2 रोज आई हैं AR1 के अंदर एंड लास्ट 2 रोज आई हैं AR2 के अंदर सिंपली हमने इक्वल पार्ट्स में एरे को डिवाइड कर दिया फाइन अब नेक्स्ट आपने
कमांड दिया np डॉट वी स्प्लिट एरे एंड आपने यहाँ पे 1D एरे स्पेसिफाई किया 1 to 4। ओके, तो आपकी फर्स्ट रो कहाँ से कहाँ तक है, फर्स्ट एरे के अंदर आपकी रोज कहाँ से कहाँ तक है, 0 इंडेक्स से लेकर 1। तो 1 क्या है, एंडिंग वैल्यू, एंड एंडिंग वैल्यू इज ऑलवेज -1। तो आपका फर्स्ट जो एरे है उसमें सिर्फ एक ही रो आएगी, दैट इज 0 इंडेक्स रो। ओके, तो आपका फर्स्ट जो एरे है AR1 उसके अंदर एक ही रो आई है, 0 इंडेक्स रो। ओके, सेकेंड एरे में कौन सी रोज आएंगी, index 1 से लेकर index 3 तक, क्योंकि 4 - 1 is 3। तो आपकी 1, 2 and 3 इसके अंदर 3 रोज आ गई, फाइन। ओके, एंड आपका जो AR3 है वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 4 till end। अब यहाँ पे हमारे पास रोज 4 ही है, राइट तो आपका जो AR3 है वो क्या बन जाएगा, empty array बन जाएगा, फाइन। ओके, तो यहाँ पे स्प्लिट फंक्शन में आप क्या करते हो, स्पेसिफाई करते हो आपको किस एक्सिस के लॉन्ग अपने एरे को डिवाइड करना है, एक्सिस 0 के या एक्सिस 1 के, फाइन। एच स्प्लिट में क्या है, आपका एरे डिवाइड होगा कॉलम वाइज, एंड वी स्प्लिट कॉलम वाइज मींस अलोंग एक्सिस 1। ओके, एंड वी स्प्लिट में क्या होगा, आपका एरे डिवाइड होगा रो वाइज मींस अलोंग एक्सिस 0, फाइन। तो यहाँ पे हमने 3 मेथड्स किए, स्प्लिट, एच स्प्लिट एंड वी स्प्लिट फॉर स्प्लिटिंग द एरे, फाइन। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो नाउ। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।